नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। मैं हूँ महिमा सक्सेना। आइए बात करते हैं कुछ खास खबरों की। उत्तर प्रदेश के संभल में चार साथी लुटेरे कैंटर व अवैध शस्त्र के साथ गिरफ्तार। थाना बनियाठेर क्षेत्र से 16 अगस्त को आलू से भरा ट्रक लूटने वाले चार बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बदमाशों से लूटा गया ट्रक, लूट के दौरान प्रयुक्त की गई कार, दो तमंचे, दो चाकू भी बरामद किए हैं। वारदात में शामिल तीन लुटेरे फरार बताए जा रहे हैं। पुलिस अधीक्षक चक्रेश मिश्रा ने खुलासा करते हुए बताया कि 16 अगस्त को अजयपाल आलू से भरा टैंकर लेकर जा रहा था। सभी संबल चंदोसी रोड पर इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप सराय सिकंदर के पास बोलेरो सवार सात लुटेरों ने कैंटर के आगे बोलेरो गाड़ी लगाकर तमंचे के बल पर पीड़ित चालक से आलू भरा कैंटर लेकर फरार हो गए। पीड़ित चालक ने इसकी सूचना थाना बनियाठेर पुलिस को दी। पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत कर आगे की कार्रवाई करने लगी। उसके बाद पीड़ित चालक की सूचना पर चार बदमाशों छतरपाल, गालिब, अजय और संदीप को चंदोसी रोड पर औरंगापुर से सिलेटर तिराहे से अवैध असलाह व बोलेरो सहित गिरफ्तार किया तथा इनकी निशानदेही पर बिजनौर से कैंटर बरामद किया गया। पुलिस अधीक्षक चक्रेश मिश्रा ने बताया। संबल संवाददाता मोहम्मद अली की रिपोर्ट। थाना बनियाठेर के अंतर्गत 16 अगस्त के दिन एक व्यक्ति के द्वारा आकर यह सूचना दी गई कि वो अपना आयशर कैंटर जो आलू से लदा हुआ था उसको लेकर जा रहा था। रास्ते में कुछ अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा उसके ट्रक के आगे बोलेरो गाड़ी लगाकर उसको किडनैप किया गया और उसके ट्रक को लूट कर ले गए। पुलिस के द्वारा उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। इसके लिए लगातार कुछ टीमें लगाकर वर्कआउट करने की कोशिश की जा रही थी। आज इसमें चार अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। ये एक अंतर जनपदीय गिरोह है जिसमें छत्रपाल थाना हसनपुर जिला अमरोहा, गालिब थाना कोतवाली संभल, अजय थाना हसनपुर, संदीप थाना आदमपुर जिला अमरोहा, इन चार व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से लूटा गया आयशर कैंटर, उसके साथ में जो लूट में प्रयोग की गई एक बोलेरो गाड़ी, दो 12 बोर के तमंचे और चार जिंदा कारतूस, दो अदद चाकू, ये सामग्री बरामद की गई है। इनके द्वारा बताया गया कि इन्होंने आलू एक आड़तीय के पास बेचा है और उसके बाद में उसका जो पैसा मिला था उसको आपस में बांट लिया है। उन तीन अन्य अभियुक्त के नाम भी इसमें प्रकाश में आए हैं। उनकी भी भूमिका की जाँच करते हुए उनकी गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। इस घटना में ये अंतर जनपदीय गिरोह का खुलासा हुआ है। इनके पहले भी मुकदमों का आपराधिक इतिहास रहा है। इन लोगों के विरुद्ध गैंगस्टर की कार्रवाई भविष्य में की जाएगी। इनको अभी गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय भेजा जा रहा है।